Hi friends, myself Aradhya. So today in this video I am going to tell you how to make soft dough for chapati. तो आज हम सीखेंगे हम कैसे रोटी बनाने के लिए एक अच्छा सा सॉफ्ट बूंदी हुई आटा बनाएंगे, मतलब डो बनाएंगे। तो इसके लिए मैं अभी आटा ले ली हूँ और उसके साथ आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है, ये ऑप्शनल है। तो उसके बाद हम ऐसे ऐसे थोड़ा सा उसे मिक्स करेंगे, रोल करेंगे ऐसे ऐसे, और उसके बाद ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद मैं इधर पानी ले रही हूँ और ये ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही गूंदना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा आटा है, अगर बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो अच्छा है, पर ऐसा नहीं, आपको धीरे धीरे करके ऐसे ही गूंदना है कम कम पानी में। तो मैं अब पानी डाल देती हूँ सबसे पहले। तो देख सकते हैं एकदम हमें थोड़ा ही पहले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है एक बार में, और उसके बाद थोड़ा ऐसे ऐसे राउंड राउंड कर लेना है। इसी तरह के बाद मैं फिर से अभी और थोड़ा पानी की जरूरत है ले रही हूँ। फिर से राउंड राउंड कर लेना है। आपको तब तक करना है जब तक आपको ये ना लगे कि थोड़ा गीला जैसा ना हो जाए, पर ये एकदम गीला भी अभी तक नहीं है, और भी थोड़ा पानी की जरूरत है। उसके बाद ऐसे हमें राउंड राउंड कर लेना है। अब देख सकते हैं पानी देने के बाद अभी ऐसे राउंड करके हमें ऐसा लग रहा है, मुझे अभी थोड़ा सा गीला लग रहा है, मतलब अभी परफेक्टली वाटर डिजोल्व हो गया और ऐसे गोल भी हो गया। तो अभी हम इसे गूंदना शुरू करते हैं अपनी उंगलियों पर। आपको कभी भी पहले से ही उंगलियों पर डब्बा डब्बा कर ऐसे ऐसे नहीं स्मैश करना है, अभी मैं कर देती हूँ। और जितना ज़्यादा आप उसे गूंदेंगे उतना ज़्यादा ही वो सॉफ्ट बनेगा, और आप मत सोचना कि हार्ड हो जाएगा, आपको हल्के हाथ से ऐसे ऐसे गूंदना है। तो ऐसे ही आपको 10 से 15 बार कर लेना है। मैं अभी करके आपको उसकी रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। बट आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी सॉफ्ट डो ई रोटी के लिए बन गया है। और आप तो नोटिस किए ही होंगे कि कोई कोई रोटी बनाते वक्त जो गोल करते हैं उससे बहुत तकलीफ होती है, पर ऐसा ये नहीं होने वाला, ये एकदम सॉफ्ट और फ्लॉपी बहुत ही अच्छा बन गया है। तो सिंपली हम इसे कवर करके 15 मिनट तक रख लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप 5 या 10 मिनट तक ऑयल ऐसे करके आप रख सकते हो, पर मुझे इतना कोई जल्दी नहीं, इसलिए मैं आराम से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही बिना ऑयल के कवर करके रखूँगी। तो इसीलिए आपको अगर कैसे गोल रोटी बनाना है और उससे कैसे गोल गोल करना है, अगर इसकी ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल के नाम के पास आराध्य ऑसम के पास जो लाल कलर का सब्सक्राइब है उसे ग्रे कर लेना है। अगर वो ऑलरेडी ग्रे है तो कुछ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बेल आइकन दिखेंगे तो उसको आप ऑल ऑप्शन पर कर लेना, सिर्फ इतना ही। और वीडियो को कमेंट लाइक शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।